फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोज विद राहुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फोटो एडिटिंग के लिए पांच बेस्ट ऐप बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी यूट्यूबर इसी ऐप से फ़ोटो एडिटिंग करते हैं और मैं भी इसी ऐप से एडिटिंग करता हूँ। आखिरकार वो कौन से ऐप्स हैं, आज वीडियो के एंड तक आप पूरा सीख जाएंगे और उसको यूज करना भी सीख जाएंगे। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल स्क्रीन सबसे पहले दिखे, क्योंकि गाइस यूट्यूब से रिलेटेड यहाँ पर सभी वीडियोस हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो इस आखिरकार वो कौन से पाँच बेस्ट ऐप्स हैं उनको हम जानेंगे। तो गाइस कर लेते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। जो फर्स्ट ऐप्स हैं वो है प्रीसाइड से आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं एंड अपनी फ़ोटो और बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो आप हमारी वीडियो लिस्ट जाके देख सकते हैं। एंड सेकंड ऐप है जो कि है ऑटो जेस्टो, यानी बोले तो स्केच बुक, और जिसमें कि काफ़ी हम चेहरे को अपने स्मूथ करते हैं, चेहरे को जो है गोरा या फिर काला जिस हिसाब से आप रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं, बालों को भी हाईलाइट कर सकते हैं उससे। एंड थर्ड ऐप है Lightroom, जो कि Lightroom में आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भी अगर हमारी वीडियो पे आप जाके देखें किस टाइप से हम Lightroom से अच्छे से अच्छी एडिटिंग करते हैं या फिर काफ़ी यूट्यूबर भी उसी एडिटिंग Lightroom से ही करते हैं, क्योंकि Lightroom एक ऐसे बेस्ट एप्लीकेशन है जिससे कि काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है, आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता है। एंड जो कि आपका चारवा ऐप है वो है स्नैपसीड, जिसमें कि आप काफ़ी का अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं और ट्यून लगा के आप उसको ब्लू या फिर अदरवाइज रंग में कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और डबल एक्सपोज लगा के आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड फाइव ऐप है जो कि है फेस ऐप, जिसमें आपका चेहरा जो कि है अगर आप उसमें आप काफ़ी तरह के चेहरे बना सकते हैं, जैसे कि आप अगर ओल्ड हो चुके हैं तो आप यंग भी दिख सकते हैं और यंग हैं तो ओल्ड भी उसमें दिख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एडिटिंग फेस ऐप से भी हो जाती है। तो गाइस इन्हीं पांच ऐप से अधिकतर यूट्यूबर हैं एडिटिंग करते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा एडिटिंग करने वाला ऐप्स है वो है प्रीसाइड और Lightroom, इन दोनों ऐप से काफ़ी अच्छी एडिटिंग भी होती है। तो गाइस इन्हीं ऐप से आप अच्छे से अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी वीडियो लिस्ट जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।